न्यायालय के आदेश पर कोका कोला कंपनी के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत। कोका कोला बोतल में मिले मांस के टुकड़े कोका कोला पीने के बाद युवक की हालत बिगड़ी। कोका कोला के लिम्का कोल्डिन की बोतल में मांस के टुकड़े मिले जो छिपकली के बताए जा रहे हैं। कोल्डिन पीते ही युवक को उल्टी होने लगी और बेहोश हो गया। कोर्ट के आदेश पर कोल्ड ड्रिंक कंपनी के मुख्य कार्यालय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। युवक का कहना है कि इलाज में खर्च के साथ उनको मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ी। मोहल्ला मर्दन नाका के भीमर मोहल्ला निवासी मनीष कश्यप के मुताबिक उसने अपने दोस्तों अमित सिंह, संदीप चौरसिया, नासिर अहमद और राशिद अहमद के साथ काले कुआं में स्थित बेकरी शॉप से कोल्ड ड्रिंक लिम्का की 5 बोतल ली। मनीष कश्यप और अमित सिंह ने कोल्ड ड्रिंक बोतल का ढक्कन खोलकर पी लिया। मनीष कश्यप को उल्टियां होना शुरू हो गई और वह कुछ देर में बेहोश होकर गिर गया। साथ मौजूद दोस्तों ने देखा तो बोतल के मांस के टुकड़े दिखे 3 बोतलों में नजर आए। एक बोतल अभी भी सील पैक रखी है। उसी दिन शाम 1:30 बजे कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मामले की शिकायत की गई। साथ ही ईमेल के माध्यम से लिम्का कोल्ड ड्रिंक की फोटोग्राफ के साथ शिकायती पत्र दिया गया। कंपनी की ओर से कोई सकारात्मक जवाब न मिलने पर पीड़ितों ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर फैजाबाद में स्थित कोका कोला कंपनी के अधिकारी के खिलाफ शहर कोतवाली नगर बांदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनीष कश्यप है। मैं मदन नागा मोहल्ला डीमर मोहल्ला निवासी हूँ। शहर थाना कोतवाली लगता है मेरा। क्या मामला हुआ है भैया आपके साथ? हम पांचों मित्र शाम के समय 7 से 8 के बीच के समय रहा होगा, काले कुआं स्थित सुरेश पान बेकरी के यहाँ पान खाने गए हुए थे। गर्मी का मौसम था, ये हुआ सभी मित्र चलो कोल्ड ड्रिंक पी लिया है। तो कोल्ड ड्रिंक उनके यहाँ लिम्का के अलावा कोई कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं थी, तो उन्होंने 5 लिम्का ली। जैसे ही लिम्का हमने खोल के पी, शाम का समय अंधेरा था और मैंने 2 घूंट ही पी होगी, वो बड़ा अजीब सा उसका टेस्ट था, जिसको पीने के पश्चात 2 सेकंड 5 मिनट के अंदर मतलब एक अजीब सा चक्कर आया। मैं बैठ कर रह गया, उल्टी हुई, उसको मेरे मित्र का मैं बदहवास होकर अस्पताल गया। उसके बाद फिर मेरे मित्र नासिर ने मुझको जिला अस्पताल में डॉक्टर को दिखवाया और हमें जो दवा हुआ लेके फिर मुझे घर छोड़ा। कौन से अस्पताल में आपने अपनी जांच कराई थी? जिला अस्पताल गया था, जांच नहीं हुई थी। डॉक्टर को ट्रीटमेंट बताया था कि कोल्ड ड्रिंक पीने से उल्टी हुई है। अच्छा। डॉक्टरों ने उचित उपचार करके मुझको वहीं छोड़ दिया। सवेरे मुझको टेस्ट के लिए बुलाया था, फिर टेस्ट कराने गया, दर्द बहुत हो रहा था, तो मैंने अपने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उनको सारी घटना की जानकारी दी। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा नाम नासिर अहमद है और मैं मोहल्ला शहर मर्दन नाका में रहता हूँ। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना कोतवाली नगर शहर बांदा लगता है। क्या मामला हुआ है भैया आपके साथ? ये मामला ये हुआ था कि दिनांक 9/6/2022 को हम लोग काले कुआं 5 लोग दोस्त लोग पान खाने गए थे। तो गर्मी का माहौल था, तो ऐसा हुआ कि सारे मित्र लोग कहने लगे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो फिर कोल्ड ड्रिंक में उनके पास केवल दुकानदार के पास लिम्का ही थी, तो 5 बोतल थी। तो 5 दोस्त थे हम लोग, तो 5 बोतल ली हम लोग लिम्का की, तो 2 लिम्का की बोतल खोल के दी गई। उसके बाद कस्टमर आ गए तो बिजी हो गया, तो जब तक हमारे दोस्त मित्र मनीष कश्यप ने बोतल मुंह में लगाई और 2 कुल्ला पिया, तो अजीब सी हीक टाइप की आने लगी। तो हीक टाइप की आई तो अंधेरा था, शाम का वक्त था, करीब 7 या 8 के बीच लगभग समय हो रहा था। तो इसके बाद मनीष कश्यप को अजीब सी हिचकिचाहट आई, तो जब हम लोगों ने गिलास में निकाल के डिस्पोजल के देखा तो अजीब से मांस के टुकड़े टहल रहे थे उसमें। तो हम लोग घबरा गए, ऐसा नहीं हो कि कुछ हादसा हो जाए। तो हम लोग ने सारी बोतलें लेके पांचों की पांचों और मनीष कश्यप को लेके जिला अस्पताल लेके गए और जिला अस्पताल में इनको तुरंत दिखाया। और दिखाने के बाद डॉक्टर को पूरी घटना की बात बताई। उसके बाद हमने फिर इनके हेल्पलाइन नंबर कोका कोला कंपनी को संपर्क किया और उनको बताई, शिकायती पत्र एक ठो ईमेल के माध्यम से भेजा, सारी फोटोग्राफ भेजी, लेकिन वो डिनाई करते रहे। और हमने इसकी शिकायत फिर और फिर माननीय न्यायालय में भी करी और एसपी साहब के यहाँ भी पैसा पत्र दिया और सीओ साहब के यहाँ भी पैसा पत्र भेजा गया। अब इनकी 25/12/2022 को इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आप क्या चाहते हैं इनके खिलाफ? इनके ऊपर धनात्मक कार्रवाई की जाए कड़ी से कड़ी, जिससे कि और जो भी आम जनता है पूरे भारत देश में भी जो पूरी कोल्ड ड्रिंक सप्लाई की जा रही है, तो ऐसी जो घटना हुई दोबारा कभी किसी के साथ ना हो। मान लीजिए अगर आपके साथ ये जो है कार्रवाई आपके नहीं होती है तो आप किस हद तक जाएंगे? अगर ये कार्रवाई यहाँ से अगर हमारे बांदा से कार्रवाई नहीं होगी तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय तक भी जा सकते हैं।